हरजस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं हरविंदर सिंह प्रोग्राम नजरिया दे विच तुहाडा स्वागत करता हाँ। बीते दिनों तो एक खबर मीडिया दे विच बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है कि कनेडा पढ़ गए कुछ विद्यार्थियों नू डिपोर्ट किया जा रहा है और वो वापस मुड़न लई मजबूर क्यों हैं। सैकड़े पंजाबी विद्यार्थी जो कनेडा विचों कढ़े जाण दे डर दे नाल जी रहे सन, उन्हां लई उत्थों दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक बयान आस लैके आया। ट्रूडो ने देश दे विच भारतीय विद्यार्थियों नू लैके चल रहे अनिश्चितता बारे संसद दे विच कहा कि साडा मकसद मुलजमां दी शनाख्त करना है, पीड़ितां नू सज़ा देना नहीं। जिक्रयोग है कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके सैकड़े भारतीय विद्यार्थियों ते इल्जाम हैं कि उन्होंने कनेडा आने लई फर्जी दस्तावेज वरते सन, जिस दे चलदिआं उन्हां नू कनेडा दी स्थाई रिहायश मुहैया नहीं करवाई जा सकती। क्यों? जो विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने डिपोर्ट किया जा सकता है। ये विद्यार्थी कनेडा दी सड़कों के उत्ते एजेंटा के धोखे के विरुद्ध अते अपने भविख लई धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कनेडा की संसद तक भारतीय विद्यार्थियों का मसला पहुँचना, NDP आगू जगमीत सिंह ने संसद के विच पुछया कि इमीग्रेशन की ठगी का शिकार हो रहे पंजाबी विद्यार्थियों पक्की रिहायश देने संबंधी प्रधानमंत्री विचार करनगे। कनेडा विच घट गिणती सिख भाईचारे दे नाल संबंधित जगमीत सिंह सरकार विच भाईवाल पार्टी NDP दे आगू हैं। जगमीत सिंह दे सवाल का जवाब दिंदिया ट्रूडो ने कहा, हर एक मामले का वक्रे तौर पर मुलांकण होगा और पीड़ितों को उनका पक्ष रखने का मौका भी दिता जाएगा। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि उनका मकसद धोखे के शिकार हुए पीड़ितों को सज़ा देना नहीं है, बल्कि दोषियों की शनाख्त करना है। ट्रूडो के इस बयान के नाल पीड़ित विद्यार्थियों को कुछ राहत मिलने की आस बजी है। कनेडा विच अजिहे सैकड़े भारतीय विद्यार्थी हैं जिन्हों के उत्ते जाली दस्तावेजा के आधार के उत्ते प्रवास करन दे इल्जाम हैं। इन्हां विचों बहुते मामले 2016 और 2017 के हैं। अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके इन्हां विद्यार्थियों नू कनेडा तो कढ़िया जा सकता है। विद्यार्थी अपने आप नू बेकसूर दसदे हैं। उन्हां दा इल्जाम है कि स्टडी वीज़ा अप्लाई करन लई मदद करन वाले एजेंटा ने उन्हां दे नाल धोखा किया। भारतीय विद्यार्थी कनेडा दे विच डिपोर्ट होने तो बचने लई धरना भी दे रहे हैं। अजिहे ही मामलों के नाल जुड़े एक वकील मुताबक जाली दस्तावेजा के मामले के फसे विद्यार्थियों की गिनती 150 तो लैके 200 तक हो सकती है। अजिहा ही पंजाब का एक विद्यार्थी है लवप्रीत सिंह, जिसन 13 जून में डिपोर्ट किया जा रहा है। विद्यार्थी के दाखले लई जाली दस्तावेज वरतन के इल्जाम हैं। जाली दस्तावेजा के इल्जामों के घिरे विद्यार्थी की कहते हैं? ये विद्यार्थी अपने आप को बेकसूर दसते हैं। उन्हों का दावा है कि जलंधर की एक इमीग्रेशन कंसल्टेशन एजेंसी ने उन्होंने नाल कथित तौर के उत्ते धोखा किया। इस एजेंसी ने विद्यार्थियों नू जाली दस्तावेज मुहैया करवाए सन। इस मामले दे विच किन्नियां एजेंसियां शामिल हो सकदियां हन, यह हाले तक स्पष्ट नहीं है। कनेडा तो फोन पर गलबात करदियां जाली दस्तावेजा के मामले में घिरी डिंपल ने दसिया, मेरे दिमाग दे विच हनेरा ही हनेरा है, ना मैं अगे वध सकती हाँ अते ना ही पिछे जा सकती हाँ। वो दिसंबर 2017 दे विच स्टडी वीजे ते कनेडा आए सन। उन्हां दा विआह हो चुकिया है अते उन्हां दे पति भारत विच हन। एक मध्य वर्गी परिवार दे नाल संबंधित डिंपल दे 3 भैन भरा हन। पंजाब दे जलंधर दे विच उन्हां दे पिता दर्जी हन। विज्ञान विच मास्टर्स की डिग्री हासिल डिंपल लंबे समय तो नौकरी की तलाश विच सी। वो कहती है 2 बार बैंक का इम्तिहान दिता, वो क्लीयर नहीं होया, इस सब तो तंग आ के मैं कनेडा का अप्लाई किया ता मेरा कुछ बन सके, इन्नी पढ़ाई की है उसका तो फायदा होना ही चाहिदा है। विद्यार्थियों नू वीज़ा भी जाली दस्तावेजा के आधार पर मिलया सी। डिंपल नू उन्हां दे एक रिश्तेदार ने जलंधर दी एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विस अते इस नाल जुड़े शख्स ब्रजेश मिश्रा बारे दस्या। आखिरकार उन्हां नू नवंबर 2017 दे विच कनेडा दा वीज़ा मिल गया। डिंपल दसदे हन कि ब्रजेश ने फोन करके कहा सी कि एक कॉलेज ने मेरे दस्तावेजा नू मंजूर कर लिया है अते दाखला भी मिल गया है।
डिंपल ने कनेडा विच कंप्यूटर नैटवर्किंग दे कोर्स लई अप्लाई कीता सी, जिस लई उन्होंने उस समय 12 लाख रुपये नगद दिते सन। इस दे विच कॉलेज की फीस अते कुछ खर्चे शामिल सन, जिन्हां तों परिवार की समर्था का पता लगता है कि की विद्यार्थी कनेडा विच अपना खर्चा चुक सकेगा। पर कनेडा आउण दे 2 दिन दे बाद ही डिंपल नूं दस्या गया कि उन्हां दे कॉलेज दे विच हड़ताल है अते ओ एक दूजे कॉलेज विच अप्लाई करे। उन्हां वल्लों जमा करवाई गई कॉलेज दी फीस भी वापस कर दित्ती गई सी। डिंपल ने कनेडा विच अपनी पढ़ाई 2019 दे विच पूरी कीती, उन्हां नूं वर्क परमिट भी मिल गया सी। पर जदों मई 2022 दे विच उन्हां ने परमानेंट रेजिडेंस दी अर्जी लगाई तां जवाब आया कि उन्हां वल्लों पहलां चुने गए कॉलेज दा एक्सेप्टेंस लैटर जाली सी। इस चिट्ठी दे आधार ते उन्हां नूं भारत तों कनेडा दा स्टूडेंट वीज़ा अते कनेडा विच एंट्री मिली सी। डिंपल खुद नहीं जानदे कि अजिहा किवें हो गया। डिंपल नूं कहा गया कि वह इमीग्रेशन अधिकारियों नूं मिले, फिर साल जनवरी दे विच एक सुनवाई तो बाद उन्हां नूं एक्सकलूजन ऑर्डर दे दिता गया। एक्सकलूजन ऑर्डर तहत उन्हां नूं 1 साल तक कनेडा तो बाहर कढ दिता जाएगा। पर जेकर तुसीं अपने बारे विच गलत जानकारी दिती है तां तुहानूं 5 साल लई कनेडा तो बाहर कढ दिता जांदा है। इमीग्रेशन अधिकारियों दे नाल होई मुलाकात बारे डिंपल दसदे हन, मैं इंटरव्यू दे दौरान इन्नी डरी हुई सी, मैं शायद ही कुछ कहा, मैनू लग्या कि मैनू हुणे भारत भेज दिता जाएगा। विद्यार्थियों नूं कॉलेज दाखले लई मिले अप्रूवल लैटर भी जाली सन। 2016-17 दे विच ये भारतीय विद्यार्थी कनेडा गए सन, जिन्हां दे विचों बहुते विद्यार्थी हन। 150 तो लैके 200 कौमांतरी विद्यार्थियों ते कनेडा तो डिपोर्ट होण दा खतरा मंडरा रहा है। कनेडा दे प्रधानमंत्री ने कहा कि साडा मकसद मुलजमां दी शनाख्त करना है, पीड़ता नूं सज़ा देना नहीं। कनेडा दे फैडरल कोर्ट दे विच उन्हां ने इस आर्डर नूं चुनौती देण लई पटीशन पाई है। उन्हां दे वकील जसवंत सिंह मंगत अजिही ही स्थिति विच फसे होए कई विद्यार्थियों के वकील भी हैं। वो दसते हैं कि ज़्यादातर मामलों के भारी फीस लैके जाली एडमिशन लैटर्स जारी किए गए। जाली दस्तावेजों के आधार पर वीज़ा एप्लीकेशन दाखिल की गई और वीज़े भी जारी हो गए। डिंपल पुछती है, जदों इमीग्रेशन अधिकारियों को हवाई अड्डों पर वीज़ा जारी करते हुए यह नहीं पता लग्या कि दस्तावेज जाली हैं, जां साढ़े तो किवें उम्मीद की जा रही है कि सानू ये पता चल सकता है। असी इस बारे एजुकेशन एंड माइग्रेशन सर्विसिज अते ब्रजेश मिश्रा दे नाल गल करन दी कोशिश कीती, पर उस नाल संपर्क नहीं हो सकया। कई होर विद्यार्थियों दी उम्मीदां भी टुटियां। चमनदीप सिंह भी पंजाब दे एक मध्यवर्गी परिवार दे रहण वाले हन अते ओ एक बेहतर जिंदगी दी आस दे विच कनेडा गए सन। वो कहिंदे हन, जदों मैं स्टूडेंट वीज़ा लैण दी कोशिश शुरू कीती उस समय सिस्टम दा पता नहीं सी, इस लई एजेंट दी मदद लई। पता नहीं सी कि वह अजिहे जाली दस्तावेज भी बना सकते हैं। उन्होंने कनेडा दे विच इंजीनियरिंग कोर्स लई अप्लाई किया, उस लई 14-15 लाख रुपये खर्चा होया। ये रकम अदा करन लई उन्होंने कर्जा लेना पिया। इस पूरे घटनाक्रम ते वह कहिंदे हन कि इत्थों दा लाइफ स्टाइल बेहतर है, पर इत्थे भारत नालों ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है। कनेडा ने कौमांतरी विद्यार्थियों दीआं समस्यावां हल करन दा भरोसा दवाया है। कनेडा इमीग्रेशन विभाग ने इस बारे की कहा, इस दे नाल ही कनेडा दे इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर ने भी एक ट्वीट साझा करके देश दे विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों दीआं समस्यावां संबंधी कार्रवाई का भरोसा दिता। अपने ट्वीट दे विच उन्हां लिखिया कि असी उन्हां विद्यार्थियों लई हर संभव हल लभ रहे हां जो फर्जी कॉलेज दाखला पत्रां दे नाल कनेडा दे विच दाखल होण कारण अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। जिन्हां लोकां ने इत्थे पढ़ाई करन दी सच्ची इच्छा रखण वाले लोकां दा फायदा चुकिया, उन्हां नूं अपने कम्मां दे नतीजे भुगतने पैणगे। धोखेबाज एजेंसियां दे खिलाफ़ कार्रवाई की मंग। जानकारां दे मुताबक भारतीय अधिकारियों नूं विद्यार्थियों नूं धोखा दे रही एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहीदी है। विद्यार्थियों नूं भी कोई कदम चुकण तों पहलां खुद नूं सिक्ख्यत करना चाहीदा है। वह भरोसेयोग एजेंटा अते कालजां बारे जानण अते समझण। वकील जसवंत सिंह मंगत कहिंदे हन, इह तुहाडा पैसा है, तुहाडी जिंदगी है, तुहाडा भविख है। इस बारे पंजाब सरकार ने की कहा, कनेडा दे विच देश निकाले दे हालातों का सामना करने वाले बहुते विद्यार्थी पंजाब नाल संबंधित हैं, इसलिए यह मामला पंजाब के कई सियासतदान लगातार चुक रहे हैं।
भारत के प्रवासी मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल इस बाबत भारत के विदेश मंत्री नूं कई चिट्ठियां लिख चुके हैं। हुण उन्होंने एक निजी बैठक लई समां मंगिया। पंजाब सरकार ने इस मसले ते हल लई एक वक्री कमेटी का गठन भी किया। कुलदीप सिंह धालीवाल का कहना है कि ये इस मामले के हल लई लगातार कोशिशां कर रहे हैं अते उम्मीद है कि मसला छेती ही हल हो जाएगा। अगे देखण वाली गल ये है कि कनेडा दे विद्यार्थियों का भविख जिहड़ा हैगा वह कनेडा दी सियासतदाना दे हाथ विच होवेगा जां पंजाब अते भारत दे सियासतदाना दे हाथ दे विच, ये तां समां ही दसेगा।